मेरे को पास तो यही इंफॉर्मेशन भी है, बीजेपी कांग्रेस को रुपया दिया इधर में, देके बोल रहा है मुस्लिम भाइयों को बोल को कि उधर में वोट कांग्रेस को दे दो, तृणमूल के मत दो। ये इंफॉर्मेशन भी है, लेकिन एक करेक्ट है कि नहीं है ये मेरे को पास इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन मैंने सुना है, अगर मेरे को कोई बोले कि राजस्थानी लोग इधर में रहता है इसी के लिए वो मारवाड़ी वोट हमको नहीं देंगे, हम विश्वास नहीं करते हैं कि वो लोग हमारे से भी ज्यादा बंगाली है। और क्या है, इधर में दुकान है, इधर में बिजनेस है, इधर में काम करते हैं, इधर में काम चलते हैं, और वोट का टाइम में आप वोट नहीं देंगे ये कभी हो सकता है? हम तो अपील करते हैं आपका पास। बिहारी लोग जो इधर में घोर है, इधर में रहते हैं, इधर में सब कुछ करते हैं, आज हमारा साथ उसका बड़ा बड़ा रिश्ता हो गया है, कैसे हम हमको वोट नहीं देंगे? जो काम नहीं करते हैं, चुनाव का बाद ओनली चुनाव का समय एक दिन के लिए आता है, उनको आप वोट देंगे? देखिए, मैं एक चीज विश्वास करते हूं, अगर झूठा बात सुन के कोई हमारा ऊपर इंतजाम करे तो उसको हम अच्छा ढंग से नहीं लेता, हमारा दुख होता है, हमारा दर्द होता है। अगर आप लोग नहीं चाहते हमको बोल दीजिए, दीदी आपको हम पसंद नहीं है, अभी हम कांग्रेस को पसंद करते हैं, हम सीपीएम को पसंद करते हैं, हम बीजेपी का बात में चलेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे, तब भी आपको कोई जरूरत होगा तो हमको मिलेगा, तब भी आप हमको गाली भी दे, मैं आपको गाली नहीं देंगे, आप हमको वोट भी नहीं दे, हम आपको गाली नहीं देंगे। अगर हमको पसंद नहीं हो, ठीक है, ये हो सकता है डेमोक्रेसी में आप हमको पसंद नहीं करते हैं, अभी आपको आओ कोई दूसरा पसंद हो गया, हो सकता है, ये आपका बात है, हमारा बात नहीं है। हमारा बात तो रहेगा ही कि आप एक नंबर वोटदान पे सुदीप बंदोपाध्याय को वोट दो। एक चीज याद रखिए, अगर आप बीजेपी गवर्नमेंट को चेंज करने चाहते हैं तो तृणमूल कांग्रेस छोड़ के इंडिया गवर्नमेंट नहीं होता है। आप चाहते हैं बीजेपी है क्या? बड़ा बाजार का आदमी, पहले आप लोग को इधर में क्या गुंडा में चलते थे, आपने बोला मैंने थाना बना दिया, कोविड का टाइम में आपको दुकान बंद था, मैंने आया कोई निदान नहीं निकालना, और वो टाइम में मैंने आया था विश्वनाथ अग्रवाल जो मेरे को एक इधर में जगदात्री पूजा में हम हर तरह आते हैं, विश्वनाथ अग्रवाल सतीनाथ, मैंने आके हम अग्रवाल को बुलाया, हम देखते हैं कोई नहीं, पूरा सुनसान, पूरा बिजनेस बंद है, अरे है हमारा इंटरनेशनली एशिया का सबसे बड़ा सेंटर बिजनेस का पोस्ट बाजार। मैंने विष्णु को बुलाया, हम रास्ता में अपेक्षा किया, हम इंतजार किया, विष्णु आया, मैंने बोला दुकान क्यों बंद है, कहते हैं कोविड है, कोई काम नहीं करने जाते हैं, हम बोला क्या मदद चाहिए, उन्होंने कुछ कुछ बात बोला, हम पुलिस को बुला लिया, सीपी को बुला लिया, हम बुलाया आपको क्या क्या जरूरत है बताइए, सब बंदोबस्त मैंने कर दिया और पुस्ता बाजार चालू हो गया। आपको पता है पुस्ता बाजार में कोलकाता पोर्ट का साथ क्या गड़बड़ था, आपका क्या झमेला चल रहा था, वो भी हम हमारा गवर्नमेंट से आपको मदद करके वो जमीन आपको मिल गया, आपका पता है।